हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लिए हम बात करने वाले हैं द मोस्ट टफ एंट्रेंस एग्जाम और उनके साथ साथ क्या क्या प्रेस्टीजियस जॉब्स होती है। जो भी मैं आज आपको एग्जाम्स बताने लगी हूँ, हाँ वो आपको कुछ चैलेंजिंग लगेंगे कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। वंस यू क्लियर दिस एग्जाम, हाफ ऑफ द वर्क इज डन। मतलब आपका आधा काम तो डन हो चुका है, बस आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में ज्यादा आपकी सारा फोकस लगाना है। उसके बाद यू हैड अ वेरी सिक्योर ब्राइट विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका इसके अंदर। सो आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम ये वाले एंट्रेंस एग्जाम देखने वाले हैं जिसके अंदर जो कॉलेजेस के लिए होता है कि कॉलेजेस के अंदर है। दूसरा हम देखने वाले गवर्नमेंट के कौन कौन से एग्जाम होते हैं जो टफेस्ट भी है और उनके साथ साथ हमें एक प्रेस्टीजियस जॉब भी मिलती है। फिर बैंक के कौन कौन से एग्जाम है, अगर आर्मी में जाना है या हमें एयरफोर्स में जाना है तो उनके कौन से टफेस्ट एग्जाम है, उनके साथ साथ उनकी कौन सी जॉब है। सो विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे मैं एवरी वीक बनकर ये वीडियो एंड वन मोटिवेशन वीडियो शेयर करती हूं। सबसे पहले हमारे पास नाम आता है यूपीएससी। यूपीएससी में सिविल सर्विस का एग्जाम होता है। जिस एग्जाम को आप देते हो सो दैट कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर सको, लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफसी। तो ये कुछ जॉब्स होते हैं यूपीएससी के अंदर आती हैं। यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विस एग्जाम आप देते हो। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सीरियसनेस, डेडिकेशन चाहिए होती है। बट वंस यू गो फॉर दिस एग्जाम, दिस हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई। इस टाइम पे सबसे जो बूमिंग इंडस्ट्री है वो स्टार्ट्स की, इस टाइम पे स्टार्ट्स हो रहा है। ये कॉलेज के एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपकी कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, आईएसआई के इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन हो जाती है और उसके बाद आपके बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। इसके जो जर्नल, इसके जो मिनिमम पैकेजेस है दैट इज 20 लाख रुपीज पर एनम, मतलब 20 लाख रुपए का एनम एक फ्रेशर को मिलता है यहाँ से निकलने के बाद। अगर आप इसके अंदर गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो इंडियन स्टैटिस्टिकल एग्जाम देना पड़ता है आपको गवर्नमेंट में जाने के लिए। इसके बाद आपके बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आपकी ओपन हो जाती है। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में डिटेल्स चाहते हो कि मुझे ये, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, आप प्लीज राइट मी इन द कमेंट सो दैट मैं उसकी नेक्स्ट टॉपिक उसी स्पेसिफिक के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। नेक्स्ट आता है जेई। ये टफेस्ट एग्जाम में जेई का भी नाम आता है। वह जेई के दोनों चीजें कवर होती है, आपका मेंस भी और आपका एडवांस भी। अगर आपने मेंस और एडवांस दोनों क्लियर कर लिए और आपका किसी अच्छे आईआईटी में एडमिशन हो गया उसके बाद आपका बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। एंड यस, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। एग्जाम आता है आपका नीट यूजी। नीट का एग्जाम होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, एम्स जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए, एम्स जैसे बड़े कॉलेज के एडमिशन के लिए। यस, ये भी वन ऑफ द प्रेस्टीजियस एग्जाम है और यहाँ पे अगर आपके एम्स जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाती है तो आपका फ्यूचर्स को बहुत ज्यादा। नेक्स्ट एग्जाम आता है कैट का। कैट का एग्जाम आईएम्स में एडमिशन के लिए होते हैं, एमबीए के स्टूडेंट के लिए। यस, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आता है ये भी। बट अगर आपकी कैट के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाती है उसके बाद आपका जो पैकेज है, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। इसके बाद जो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट परसेंटाइल आती है कैट के अंदर, उसको कॉलेज अपने पास जीडी के लिए, आगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वहां पे उनका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, आगे का जो प्रोसेस है, उसके बाद आपको कॉलेज के साथ एडमिशन हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम आता है आपका क्लैट का। क्लैट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए होता है। टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्लैट के एग्जाम के लिए देंगे। तो इसके अंदर आपके क्लैट के अंदर यूजी का भी ऑप्शन होता है, पीजी का भी ऑप्शन होता है, दोनों एंट्रेंस एग्जाम आपको मिलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कम्स इन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम आपका एनडीए का है। इसके अंदर आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जाने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आपको एनडीए के एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम आता है एसएससीजीएल का। इस एग्जाम को क्लियर करते हो, इसके अंदर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही जॉब्स मिलेंगी, गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड दोनों टाइप की जॉब्स मिलती है इसके अंदर। अगर इसके अंदर आपके अच्छे स्कोर आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। इसके अंदर आपकी जो एज है अबव 18 होनी चाहिए एंड बिलो 32 होनी चाहिए। एंड ये भी वन ऑफ द प्रेस्टीजियस जॉब्स में आते हैं। सीए का एग्जाम भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। इसके अंदर आपका सबसे पहले फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेट का एग्जाम। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग और साइंस पे स्पेशलाइज करते हैं वो गेट के एग्जाम के थ्रू ही जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम आता है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस ने बहुत ज्यादा डिमांड, एक्चुरियल साइंस के इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है एंड ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीडियोज बना चुकी हूँ, मैं इनके लिंक्स यहाँ पे शेयर कर दूंगी आपको, आप इन वीडियोज को जाके देखो सो दैट आपको एक्चुरियल साइंस के ऊपर बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम आता है एनआईडी। एनआईडी इज इनटू डिजाइनिंग, डिजाइनिंग का एग्जाम। इसके ये जो एग्जाम है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक स्टूडियो टेस्ट और एक पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम आता है आईईएस एग्जाम। ये जो एग्जाम आईईएस जो एग्जाम है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पिक करता है, मैकेनिकल के, केमिकल के, आईटी के, गवर्नमेंट जॉब्स की पोजीशंस के लिए। जैसे आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो कि नहीं मुझे प्राइवेट में काम नहीं करना, आई वॉन्ट टू वर्क इन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आप इस एग्जाम को क्लियर करके गवर्नमेंट की प्रोफाइल्स का ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूजीसी नेट।
अगर आप लेक्चरार बनना चाहते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, इसकी भी वीडियो मैंने स्पेसिफिक करी हुई है। अगर आप इस प्रोफाइल में जाना चाहते हो आगे, तो यूजीसी नेट का एक जो एग्जाम होता है उसे आप क्लियर करके एक अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर लेवल जा सकते हो। नेक्स्ट आता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस एग्जाम होता है, ये भी आर्मी के लिए होता है, बट इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है एनडीए में जाने के लिए, तो ये भी आपको उसी प्रोफाइल पे लेके जाएगा सीडीएस का एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम आता है आईबीपीएस आरआरबी, ये भी बैंकिंग का एग्जाम होता है, ये उन लोगों के लिए है जो डिफरेंट बैंकिंग के सेक्टर्स में और प्रोफाइल्स में काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम आता है एएफसीएटी, ये उन लोगों के लिए है जो स्पेसिफिकली एयरफोर्स में काम करना चाहते हैं। ये एग्जाम साल में दो बार कंडक्ट होता है, फरवरी और अगस्त के अंदर। सीएपीएफ इसकी होती है सेंट्रल आर्म पुलिस ऑफिसर, जो भी लोग आर्म पुलिस ऑफिसर्स में काम करना चाहते हैं, बनना चाहते होते हैं, वो इस एग्जाम के थ्रू जाते हैं। इसके बाद आपको जो प्रोफाइल मिलती है दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट, ये जो उसकी प्रोफाइल आपको मिलती है इसके बाद। अगर आप इसकी पूरी डिटेल चाहते हो प्लीज जस्ट राइट मी इन द कमेंट। नेक्स्ट आता है जैट, जैट का भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में आता है। ये जो एग्जाम होता है आपको ZLRI एडमिशन के लिए होता है, कि आप ZLRI के इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैट के ZAT के एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है। साथ है RBI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये RBI एग्जाम को होल्ड करता है फॉर दी पोजीशंस ऑफ RBI इस एग्जाम को होल्ड करता है फॉर दी पोजीशन ऑफ असिस्टेंट। RBI के अंदर अगर आप लगना चाहते हो तो आपको इस एग्जाम के थ्रू जाना होता है। इसको एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको बैंकिंग का ऑप्शन ओपन होते हैं। ये कुछ एग्जाम्स है जो टफेस्ट एग्जाम्स के साथ साथ प्रेस्टीजियस जॉब भी हमारे इंडिया के अंदर। अगर आप किसी की भी स्पेसिफिक डिटेल चाहते हो तो please just write me in the comments।